ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਬਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਲਾ ਖੈਰ ਸਲ ਮੋਮਨਾ ਨਾਮੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬਲਾਲ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਹੈ जो मोमना के वालिद मलिका नायत ने उन्हें गला दबा के कत्ल किया है। रात के अंधेरे में एक मुल्जिम किसी की परवाह किए बगैर एक घर की दीवार फैलांगता हुआ कहां जा रहा है? क्या ये कोई चोर है, डाकू है या किसी को अगवा करना चाहता है? अरे नहीं, ये तो किसी के घर की इज्जत लूटना चाहता है। मगर घर वाले भी तो इतने बेखबर नहीं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस भेड़िए को कत्ल भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, एक गरीब बाप बाज़ दफा जब कुछ ना कर सके तो अपनी इज्जत पर उठने वाले हाथों के साथ अपने हाथ पैर भी काट देता है। हम आपको लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन के एक ऐसे ही घर में लेकर जा रहे हैं जहां इज्जत के मुहाफिज और एक लुटेरे के दरमियान घमसान की लड़ाई हुई थी। आप सोने की चमकते हुए सिक्कों को असली सोना मत समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास असली नोट भी आपसे छिन जाए। इश्क, मोहब्बत और दोस्ती की एक हद होती है, इसीलिए नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी हद में रहें। लाहौर के एक आशिक ने भी जब मोहब्बत की हद फैलाने की कोशिश की तो उसकी महबूबा के बाप ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि सुनने वालों के सर से भी इश्क का भूत हमेशा के लिए उड़ गया। आइए लाहौर चलते हैं और लड़की के बाप से मिलते हैं। के इलाके सेक्टर D2 का रहायशी मलका नायक प्रॉपर्टी डीलर है। उसके तीन बच्चे हैं। उसकी बड़ी बेटी 14 साल मोमना का मोहल्लेदार नौजवान बिलाल के साथ इश्क चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वो रात को मोमना से मिलने उसके घर में आया हुआ था। मलका नायक अचानक नींद से बेदार हुआ और उसने बेटी के कमरे से आवाजें आने पर जब वहां जाकर देखा तो उसकी बेटी और बिलाल काबिले इतराज हालत में थे, जिस पर वो मुश्तइल हो गया और उसने दोनों का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और खुद थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। मुल्जम का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं जनाब तुम्हें दसा है कि वो कुड़ी मुंडा जो सन घर खड़े ने साडे, अच्छा बच्ची मेरी है, बच्चा बगाना मैनू गल नहीं वारा खाधी मैं उतो आया वहां बस अल्लाह ला खैर सला मैं मार छड़ा। मलक अनायत के बयान पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जम के बयान की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जल्द ही असल हकायक सामने आ जाएंगे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जम ने यही बयान दिया है कि उसने बेटी और उसके आशी को नाजेबा हालत में देख कर कत्ल किया है, जबकि मकतूल बिलाल को कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। ये आज रात 10 बजे 15 की कॉल थी कि दो मर्डर हो गए, मौके पे गए हैं तो मोमना नामी लड़की है जो मर्डर हुई है उसके साथ बिलाल नामी लड़का है, जो मोमना के वालिद मलिका नायत ने उन्हें गला दबा के कत्ल किया है। मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं कि और लोग उसके साथ कौन कौन है। क्या बिलाल लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया था या उसे घर पर बुलवा कर कत्ल किया गया? दूसरी जानी मकतूल बिलाल के कजन का कहना है कि बिलाल लड़की से मिलने उसके घर नहीं गया था, बल्कि मलक अनायत ने उसे धोखे से घर बुलवा कर कत्ल किया है और अब इस वाक्य को दूसरा रंग दिया जा रहा है। असल सूरत यह है कि बिलाल को और मोमना के वाले से उनको शक था कि शायद बिलाल के नजायज तलाकात हैं। इस बिना पर उन्होंने बिलाल को पहले अगवा किया, घर ले जाकर वहाँ पर उसको उन्होंने मार दिया। और बिलाल ने जब अगवा हुआ अपने दोस्तों को मैसेज किया कि मैं इस मुसीबत में हूँ, मुझे इन्होंने पकड़ लिया हुआ और मुझे ये अगवा करके ले गए और मुझे मार रहे हैं, तो उस पर उसके दोस्त और बाकी घर वाले जो हैं वो उसकी तलाश में निकले हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त वहाँ पे ये मामला सारा हो चुका था, उसको वो कत्ल कर चुके थे। हमारा तो मुतालबा है जो कि जो इसमें मुलव्वस हैं कत्ल में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस ने मुल्जम और मकतूल बिलाल के वसा के बयानात की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल बिलाल के वसा का कहना है कि मुल्जम को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अरशद बासी के साथ आमिर शहजाद, समा लाहौर।
क्या आपको जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाना है, किसी शख्स को अगवा करवाना है या किसी के घर पर कब्जा करवाना चाहते हैं, तो आप कराची के सलाउद्दीन पप्पू के पास चले जाएं। वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। लेकिन खुद सलाउद्दीन पप्पू किन मसाइल में घिरा हुआ है, ये भी तो देखिए ना। हथकड़ी में जकड़ा ये मुलजिम सलाउद्दीन उर्फ पप्पू है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि ये इंतहाई चालाक मुलजिम है और इसने अलग अलग नामों से कई जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखे हैं और इन जाली नामों से शहर के मुख्तलिफ थानों में सादा लो अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करा चुका है। ये शनाख्ती कार्ड भी इसने एक नाजा से बनाया था और बनाने के बाद इसने बहुत से लोगों को जो है इसने चीटिंग की है, जो ये पोश इलाके में जाकर वहाँ से ये वहाँ जाकर जो है ये खुद जो है ये बैंक में जो है ये लोन वगैरह दिलाता है और वहाँ से फिर ये उसी जाली शनाख्ती कार्ड से जो अपने नाम से इसने जो बनाया हुआ था अली रज़ा के नाम से और उनके खिलाफ जो है उसने अजीज़ाबाद में भी FIR कटाई है और दूसरा इसने जो है भादराबाद में भी इसने FIR कटाया और इनके घर वालों को जो है घोंस दे के और वो दे के उनसे पैसा लेता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को लियाकतबाद के इलाके इलियास गोट में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 किलो मंशियात भी बरामद हुई है। मुखबिर खास से इतना मिला कि ये मंशियात लेके इलियास गोट से ये निकल रहा है, तो हमने उसको पकड़ा है, इसके पास से 6 किलो चर्स बरामद हुआ है। अच्छा, ये सलाउद्दीन और पप्पू जो है ये पहले भी ये काफ़ी गिरफ्तार हो चुका है, ये 2007 में भी हुआ है, 2006 में भी हुआ है, 2005 में भी। क्या मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया या वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है? हर मुलजिम पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद अपने आप को बेगुनाह ही जाहिर करता है, मगर ये मुलजिम जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इतराफ भी कर रहा है और अपने जुर्म से भी इनकारी है। मुझे नाजायज पकड़ा है, ना मेरे पास चर्च थी ना कोई चीज़ थी सर। एक भादराबाद में कटाई थी सर और एक यहाँ कटाई थी अजीजाबाद में सर। दो नंबर शनाख्ती कार्ड से अली रजा के नाम से ना? जी सर। असल नाम क्या है तुम्हारा? सलाउद्दीन। पूरा नाम बताओ। सलाउद्दीन वलकोतवाली। अच्छा, उसमें क्या नाम लिखा हुआ था तुमने? अली रजा गुलाम मोहम्मद। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ये 2006 में हलाक होने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान का करीबी साथी है। मुलजिम शहरियों से फ्रॉड के कई मुकदमात के अलावा दीगर जराइम की वारदातों में भी मतलूब था और एक खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करा के उनसे फ्लैट की मिल्कियत अपने नाम कराने का मुतालबा भी कर चुका था। ये खुद उसी के इलाके में ये लोग एक साथ रहे और एक साथ उनका उठना बैठना था और ये शुएब खान का जो है ये करीबी साथी है और उसका ये रेड हैंड है। कराची जैसे बड़े आबादी के शहर में ऐसे बहुत सारे मुलजिमान पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है और वो स्मगलिंग के अलावा जाली दस्तावेजात बनाने में भी माहिर समझे जाते हैं। ताहम ऐसे बहुत कम हैं जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी होते हैं। कैमरामैन खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा कराची। कराची और मुल्क के दूसरे शहरों में जाली दस्तावेजात बनाने वालों की कमी नहीं और इनकी वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, मगर इस कारोबार में मुलविस अफराद को पकड़ने की संजीदा कोशिश करने वाला कोई भी नहीं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
अगर आप खालिस सोना सस्ते दामों खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो लाहौर चलिए, जहां ना सिर्फ मौजूदा दौर में बनने वाला सोना सस्ते भाव मिल जाएगा बल्कि आप सोने के ऐसे नवादरात भी खरीद सकते हैं जो माजी के बादशाहों की यादगार रह चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक जराइम पेशा गिरोह से राबता करना पड़ेगा जो आजकल लाहौर के एक थाने में बंद है। आइए अब हम आपको वहां ले चलते हैं। होशियार बाश शहरी दौर की सुनहरी अशर्फियां दिखाई देने वाले ये हैं तांबे के वो सिक्के जिन्हें पुलिस हिरासत में खड़े ये मुलजमान सादा लोग शहरियों को खालिस सोना बताकर फरोख्त करते थे। मुलजमान शहरियों को असल सोने का एक सिक्का दिखाकर मनगढ़ंत कहानी सुनाते कि ऐसे सैकड़ों सिक्के उन्हें खुदाई के दौरान मिले हैं जिन्हें वो अर्जा नेखों पर फरोख्त करना चाहते हैं। असल सिक्के बहा के ते मतलब फिर दूसरे बहा के ते जो सौदा हो जाता ही बेच देते। खालिस सोना और वो भी सस्ते दामों, लालच में आकर शहरी इन सिक्कों को खरीद लेते। असल हकीकत सामने आते हैं तो फिर वो थाने के चक्कर लगाते नहीं थकते। इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये पहले देखते हैं कि कोई इस तरह का कोई बंदा जो सादा हो और जो पैसे वाला हो उसके पास जाके ओरिजिनल सिक्का दिखाते हैं कि भाई खुदाई के दौरान हमें ये मिला है और कोई असली पुराना सोना है, और फिर उसको कहते हैं कि भाई ये हम ओपन मार्केट में बेच नहीं सकते तो हम आपको ये बेच देंगे। लोग लालच में आ जाते हैं और इनसे वो जब ये दोबारा लेकर आते हैं जो बाकी सोना लेकर आते हैं वो फेक सोना इन्होंने बनाया जो अपने फुटेज जिसकी बना लिए तो वो उसको बेच देते हैं और ये नौसरबाजी करके ये इनका तरीका वारदात है। ये हमें सब्ज़ार में हमारे तकरीबन 3 FIRs में हमें ये रिक्वायर्ड है और एक सतोकतला पुलिस को भी ये रिक्वायर्ड है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान कबाड़ियों का काम करते हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में नौसरबाजी की 4 वारदातें ट्रेस कर ली गई हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धमाके और खुदकुश धमाके अब कोई नई बात नहीं, मगर रावलपिंडी जैसे हसास शहर में ये धमाके सिक्योरिटी इदारों के लिए सवालिया निशान ज़रूर हैं। यहाँ के हसास इलाके आरे बाजार में होने वाले खुदकुश धमाके में 6 फौजी जवानों और तालिब इल्म समेत 13 अफराद शहीद हो गए और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पुलिस और हसास इदारों ने खुदकुश हमले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आइए आपको मजीद तफसीलात से आगाह करते हैं। रावलपिंडी के आरे बाजार में खुदकुश हमला, 6 फौजी जवानों समेत 13 अफराद जहां बहक, स्कूल जाने वाले बच्चे भी निशाना बने। रावलपिंडी में पीर के सुबह जिंदगी रवा दवा थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे जबकि मुलाजमीन को दफ्तर जाने की जल्दी थी। ऐसे में 7:35 पर सदर के करीब आरे बाजार में जोरदार धमाका हो गया। खुदकुश हमलावर ने फौजी अहलकारों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया। 6 फौजियों समेत 13 अफराद जाँ बहक जबकि 29 से ज्यादा जख्मी हुए। हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें तो ये सुसाइडल अटैक है और इसमें जो सुसाइड अटैक 8:15 के करीब हुआ, ये आरे बाजार का एरिया है और काफ़ी बिजी होता है इसलिए कि सुबह ऑफिसेज की तरफ मूवमेंट जो है वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही हमारे आर्मी की पिकेट भी है तो उसके कोई अराउंड 100-150 फीट के फासले पर ये हुआ है। धमाका इस कदर शरीद था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, बहुत सी दुकानें और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। कॉलेज जाने के लिए दोस्त का वेट कर रहा था तो एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई, कुछ नजर ही नहीं आया, समझ ही नहीं आई। सामान लगा रहा था, अचानक आवाज़ जोरदार आवाज़ आई है और कुछ चीज़ आके लगी है मुझे, धुआं धुआं एकदम साइड फैल गया और
काफ़ी बच्चे स्कूल के और काफ़ी लोग जख्मी नज़र आए। अंदर कमरे में था तो एकदम आवाज़ आई, तो हम ऊपर छत के ऊपर चढ़े हैं तो यहाँ से फिर इस तरफ ना धुआं निकल रहा था, धुआं था काफ़ी, और लोग काफ़ी इकट्ठी हो गई, ट्रैफिक बंद हो गई, तो आर्मी वाले फिर आगे कंट्रोल संभाल लिया उन्होंने दस्ती। धमाके की आवाज़ आई है एकदम से, बिल्कुल धुआं फैल गया हर तरफ, धुआं उठ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो इतनी देर में मैं जब चलते चलते पास जब देखा तो वहाँ काफ़ी लाशें पड़ी हुई थी, उनमें कोई फौजी थे कोई सिविल थे। धमाके के बाद जख्मियों को कैसे संभाला गया और इब्तदाई तफ्तीश से क्या पता चला? जांबहक अफराद और जख्मियों को CMH और DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। शहीद होने वालों में हवलदार असगर, हवलदार मोहम्मद अकरम, नायक इमरान, नायक अनवर, नायक मोहम्मद सिद्दीक, सिपाही आबिद मुस्तफ़ा, रिटायर्ड एहलकार शाहीन रशीद, आबिद हुसैन, मुबशर मुश्ताक, जुबैर लतीफ और जीशान बादशाह शामिल हैं। खुदकुश धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात शुरू। खुदकुश बम्बार का सर और टांगे मिल गईं। धमाके में 3 किलो इंतहाई ताकतवर बारूद इस्तेमाल किया गया। पुलिस और हसास इदारों की तहकीकाती टीमों ने आरे बाजार खुदकुश धमाके की जगह से शवाहद इकट्ठे कर लिए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में 3 किलो हाई एक्सप्लोजिव और 2 किलो बॉल बैरिंग, छर्रे और स्टील कीलें इस्तेमाल की गयी। चाय वकुआ से मशकूक अफगानी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी जहाँ तक साइकिल का जिक्र चल रहा था तो वो कूड़े का साइकिल, वो लड़का जो है वो हमारे पास कस्टडी में, वो भी जख्मियों में से है, और उससे हम इंफॉर्मेशन मजीद कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस ने जाय वकुआ से खुदकुश बम्बार का सर और एक टांग बरामद करके DNA टेस्ट के लिए भिजवा दी। पुलिस की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने भी जाय वकुआ से शवाहद इकट्ठे कर लिए। धमाके से तबाह होने वाली साइकिलों समेत दीगर शवाहद को भी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके से एक हैंड ग्रेनेड भी मिला है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर हसास इदारे की इमारत के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, सड़क पर नाके की वजह से बाजार की तरफ मुड़ गया और फौजी जवानों के दरमियान जाकर खुद को उड़ा दिया। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। बेगुना अफराद और पाक फौज के सिपाहियों को कत्ल करने वालों से हिसाब लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे अफराद से जल्द ही छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।